हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा मार्केटिंग और आज है इसकी 7th क्लास। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज की हमारी प्यारी सी क्लास को। तो देखिए बच्चों, अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं उस पर एक नजर मारेंगे और फिर करेंगे आज की क्लास को कंटिन्यू। तो देखिए बच्चों, टॉपिक नंबर 7 हमारा स्टार्ट हो चुका था। हम मार्केटिंग मिक्स में हमने सबसे पहला पी प्रोडक्ट स्टार्ट कर दिया था, जिसके अंदर हमने ब्रांडिंग कंप्लीट कर लिया था, पैकेजिंग कंप्लीट कर लिया था। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं लेबलिंग को, और लेबलिंग कंप्लीट होते ही हमारा टॉपिक नंबर 7 दैट इज प्रोडक्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, सीधा टॉपिक पर जंप करते हैं और करते हैं आज की क्लास को कंप्लीट और टॉपिक को भी। तो ये बच्चों सारे टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं। तो ये टॉपिक आ गया हमारा लेबलिंग। देखो बच्चों, लेबलिंग का मतलब हमने फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में भी एक बार पढ़ा था, पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग में। लेबलिंग का मतलब क्या होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू किसी भी प्रोडक्ट का लेबल तैयार करते हैं उसे हम लेबलिंग बोलते हैं। अब सर ये लेबल क्या होता है, तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये बच्चों बॉक्स है जो मेरे सामने पड़ा हुआ है, ये जो गत्ते का डब्बा है इसको बोलते हैं हम पैकेजिंग। इसको क्या बोलते हैं हम, पैकेजिंग। लेकिन इसके ऊपर जो ये ड्राइंग बनी हुई है, ये ड्राइंग बनी हुई है, पीछे जो लिखा हुआ है, साइड में जो लिखा हुआ है, इसको बोलते हैं हम लेबलिंग। तो लेबलिंग का मतलब क्या है, जो भी आपके पैकेज के ऊपर जो भी चीजें लिखी जाती हैं उसे हम क्या बुलाते हैं, लेबल बुलाते हैं। क्लियर हो रहा है आपको कि लेबल किसे कहते हैं, और इस प्रोसेस को जिसके थ्रू हम लेबल डिसाइड करते हैं कि हमको क्या डालना है, टेक्स्ट लिखना है, कोई इमेज डालना है, कोई ग्राफिक्स डालना है, उसको हम लेबलिंग बुलाते हैं। क्या आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं एक एक करके। अ सिंपल लुकिंग बट अ इंपॉर्टेंट टास्क इन अ मार्केटिंग गुड्स इज रिलेटेड टू डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन पैकेज। इस डिजाइनिंग को, इस लेबल को डिजाइन करने की प्रोसेस को हम लेबलिंग बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। एक सिंपल सा टैग भी हो सकता है, मतलब कि ये प्रोडक्ट का नाम है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक चीनी का पैकेट है उसके ऊपर सिर्फ चीनी लिखा हुआ है। आप कभी किसी ग्रोसरी स्टोर पे गए हो, आपने कोई दाल वगैरह ली हो, तो उस पर सिंपल एक लिखा होता है चना दाल, ठीक है ना, अरहर दाल। तो एक सिंपल सा टैग भी हो सकता है, जैसे लिखा ना शुगर वीट पल्सेस को लेके, एक सिंपल सा टैग हो सकता है, बस एक स्टीकर लिखा हो जिसके ऊपर उसका नाम लिखा हो, या फिर कोई इंफॉर्मेशन दे रखी हो, जैसे इस प्रोडक्ट के ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे उसका पूरा साइज वगैरह डिस्क्रिप्शन वगैरह दे रखा है। तो क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन दे रखी हो क्वालिटी के बारे में, प्राइस के बारे में, कुछ ग्राफिक्स दे रखे हो। ये ग्राफिक्स नहीं है, ये देखो ये क्या, ये ग्राफिक्स है जिसके ऊपर बनाए हुए हैं, जिसको वो क्लासिफाई कर पाए कि ये हमारा प्रोडक्ट है। इसके अलावा और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी हम डिटेल में लिख देते हैं इसके ऊपर, क्या कि इसके कॉन्टेंट्स क्या है, इसको यूज वगैरह कैसे करना है। इस चीज को हम क्या बुलाते हैं, लेबलिंग बुलाते हैं। ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि लेबलिंग है क्या। अब बात करते हैं लेबलिंग का काम क्या होता है, वो चीज है इंपॉर्टेंट हमारे लिए, और ये पढ़ते ही आज की क्लास खत्म हो जाएगी। आज की क्लास बहुत छोटी सी होगी, मेरी 10 मिनट की होगी मैक्सिमम। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो लेबल का काम होता है वो क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड। आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाओ या फिर ब्रांड को आइडेंटिफाई कर पाओ, उसको हम क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। लिखा हुआ ना, The important function performed by the label is to help in identifying the product or brand. जैसे इन्होंने एक example दे रखा है, जैसे बिस्किट है, तो happy happy से आप confirm हो जाओ, happy happy बिस्कुट ना, चॉकलेट वाले बिस्कुट, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि हम बिस्कुट के पैकेट। ब्लू कलर का पैकेट आपको पता लग जाएगा यहाँ पे अंकल चिप्स की बात हो रही है, तो इससे आप अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हो या फिर अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, क्लियर हो गया। और क्या दे रखा है कि और बहुत सारी चीजें हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं, जैसे कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, किसने वो प्रोडक्ट बनाया है, उसमें वेट कितना है, कब हमने मैन्युफैक्चर किया था, एमआरपी क्या, उसकी मैक्सिमम रिटेल और बैच नंबर, कौन से बैच नंबर पे उसको प्रोड्यूस किया गया था। तो ये चीज हम इसके अंदर कर लेते हैं, किसके अंदर, लेबलिंग के अंदर कर लेते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या फिर अपने ब्रांड को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चों आपको अच्छे से, पक्का? ओके। सेकेंड पॉइंट क्या आता है बच्चों, सेकेंड पॉइंट है डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट। ये तो बहुत सिंपल सी चीज है,
ये तो आप सबको ही पता है, कभी आपने कोई चिप्स का पैकेट या कोई बिस्किट का पैकेट ओपन किया हो तो उसके पीछे साइड में देखते हो ना एक छोटा सा टेबल बना होता है पर 100 ग्राम इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, कितनी शुगर है, कितना कैल्शियम है, कितने प्रोटीन्स है, कितने फैट्स है, कितने विटामिंस है, वो सारी चीजें उसके पीछे दे रखी होती हैं। तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे हम कोई फास्ट फूड का पैकेट देखते हैं जैसे डोसा हो गया, इडली हो गया, नूडल्स हो गया, तो पूरा चीज बताते हैं कि कैसे उस प्रोडक्ट को बनाया है, कैसे उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, कॉन्टेंट्स क्या है, उसके इंग्रीडियंट्स क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, इसके अलावा जैसे इन्होंने और काफी सारी चीजें एग्जांपल दे रखा है, द पैकेज ऑफ टूथपेस्ट ब्रांड लिस्ट 10 टीथ एंड गम प्रॉब्लम विच द प्रोडक्ट क्लेम टू फाइट विद इट्स कंप्लीट जर्मी चेक फॉर्मूला। तो मतलब उसके ऊपर हम वो सारी चीजें भी लिखते हैं कि ये टूथपेस्ट अगर आप यूज करोगे तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है आपकी वो सॉल्व हो जाएंगी, वो सारी चीजें इसके अंदर हम लिखते हैं। कोकोनट ऑयल में कितना लिखा हुआ था, कोकोनट ऑयल के एग्जांपल है कि इसके अंदर हीना, आमला, लेमन सारी चीजें हैं और ये आपकी गुड हेयर के लिए कितनी बढ़िया है, ये सारे उसके ऊपर लेसन में स्पेसिफाई होता है कि क्या क्या चीजें इसके अंदर हैं। और जो लिखा हुआ लास्ट में जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वो लाइन क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द लेबल इज टू डिस्क्राइब इट्स प्रोडक्ट, इसको यूज कैसे करना है, कौन कौन सी चीजें जो हमको ध्यान में रखनी है उसको यूज करते समय और उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। ये ऊपर वाले सारे एग्जाम्पल है, याद नहीं भी करोगे पढ़ोगे नहीं तो भी चलेगा, ये लास्ट की 3 लाइन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, उसे यूज कैसे करना है, यूज करते समय क्या क्या आपको सावधानी रखनी है, प्लस उसके अंदर क्या क्या इंग्रीडियंट्स है, ये आपको चीज इसके अंदर ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया, डिस्क्राइब इट्स कॉन्टेंट स्पेसिफाई और दूसरा क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट और ब्रांड। क्लियर, ओके। थर्ड बच्चों आता है हमारा ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, ग्रेडिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। आपने टाटा टी का नाम सुना है, टाटा प्रीमियम, टाटा टी गोल्ड, टाटा ताजा, आती नहीं आती है, तो ये क्या है, अलग अलग कैटेगरी है किस चीज की, टी की। अमूल मिल्क सुना है, अमूल गोल्ड, अमूल ताजा, सुना ही नहीं सुना है, तो ये भी क्या कैटेगरी, लाल कलर की पॉलिथिन आती है एक, अमूल दूध की एक ब्लू कलर की आती है, वो किस में क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रेड में क्लासिफाई कर रहे हैं, जो लाल वाली है वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी का है, जो नीली वाले से कंपैरेटिवली कम अच्छी क्वालिटी का है। तो ये क्या कर रहे हैं, लेबल से हम ग्रेडिंग कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट लाइन को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पक्का रीड करते हैं क्या लिखा हुआ है। Another important function performed by the label is to help grading the product into different categories. अलग अलग प्रोडक्ट्स के हम अलग अलग लेबल बनाते हैं जिससे हम क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन सी ग्रेड का है, उसके क्या फीचर्स हैं, उसकी क्या क्वालिटीज हैं। एग्जांपल के तौर पे इन्होंने हेयर कंडीशनर का दे रखा है कि ये हेयर कंडीशनर किस चीज के लिए, ये नॉर्मल हेयर्स के लिए, ये किसके लिए, अदर हेयर्स के लिए। आप वेज और नॉन वेज का देख लो, उसके ऊपर लेबल होता है, ग्रीन स्टिकर है तो मतलब ये वेज है, ब्राउन स्टिकर है तो उसका मतलब क्या है, वो नॉन वेज है। वो लेबल से तो क्लासिफाई कर रहे हैं ना, क्लासिफाई कर रहे हैं, ग्रेडिंग कर रहे हैं, ये वेज है, ये नॉन वेज है। ठीक है, आपका ये अमूल मिल्क का हमने एग्जाम्पल ले लिया, टी का हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या है, ये सब अलग अलग ग्रेडिंग करने में भी हमको हेल्प करता है। समझ में आ गया, पहला प्रोडक्ट के ब्रांड को या फिर प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, दूसरा हमने देख लिया ग्रेडिंग करने में हमको मदद करता है, तीसरा हमने देख लिया कि उसके स्पेसिफाई करता है क्या कॉन्टेंट्स के बारे में, प्रोडक्ट क्या है उसके अंदर कॉन्टेंट्स क्या क्या है। क्लियर हो गया बच्चों आपको अच्छे से, बहुत सही। फोर्थ फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन द प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सही, इससे ज्यादा अच्छा क्या होगा, उसके अंदर हम चित्रकारी करते हैं, ठीक है ना। एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबल इज टू एड इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रमोशन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। एक अच्छा सा जो डिजाइन लेबल होगा वो कस्टमर को क्या करेगा, उसकी अटेंशन को अट्रैक्ट करेगा, उसे इनकन्विंस करेगा, उसे मोटिवेट करेगा, उसे पर्सुएट करेगा कि वो उसको खरीद ले, उसके ऊपर एक बढ़िया सा मैसेज डालेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा कि हाँ वो खरीद लेगा। एग्जाम्पल क्या दे रखा है, आमला हेयर को बालों में दे हम, लाइफ में हो फन, ये एक टैगलाइन डाल देंगे जिससे लोगों को लगेगा यार क्या मस्त लिखा है, इसमें कुछ बात होगी, खरीद लो। ठीक है ना, जैसे इन्होंने एक और दे रखा है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे घड़ी डिटर्जेंट साबुन, तो ये टैगलाइन उस पर लिखी होती है, उससे वो उसका प्रोडक्ट लगता है कि यार इसमें कुछ बात होगी, ये बोल रहा है इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, तो ये क्या है, ये प्रमोशन करा जा रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। और एग्जाम्पल क्या दे रखा है, डिस्काउंट वगैरह 40% एक्स्ट्रा, ठीक है ना, फ्री टूथब्रश इनसाइड, सेव ₹15, ₹20 का कैशबैक, पेटीएम कूपन कोड, तो ये क्या है, प्रमोशन किया जा रहा है जैसे आपका प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिक जाए। क्लियर हो रहा है पॉइंट आपको, बहुत सही।
अब बच्चों बात करते हैं लास्ट फंक्शन के बारे में। लास्ट फंक्शन क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जो हमारे भारत के कानून है वो कुछ स्पेसिफाई करते हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट, आई रिपीट, आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, जिसे हम बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। ये आप चैप्टर नंबर 12 में भी पढ़ोगे। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक राइट होता है कंज्यूमर का, जिसके अंदर कंज्यूमर को बताना पड़ता है प्रोडक्ट खरीदने से पहले कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो वो यहां पर लिखा हुआ है अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लेबलिंग इज टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ। जैसे कभी आपने वो अल्कोहल खरीदी हो या आपने उसका शीशी देखी हो तो उस पर लिखा होता है अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू हेल्थ। टैबैको के पैकेट्स आपने हर जगह देखे होंगे, लिखा होता है चूइंग टोबैको इज इंजीरियस टू हेल्थ। ये क्या है? ये स्टैचुटरी वार्निंग हो। स्टैचुटरी वार्निंग मतलब ये कानूनी वार्निंग है जो कि लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि आप जब ये प्रोडक्ट बेचोगे तो आपको उसके ऊपर स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये आपकी हेल्थ के लिए इंजूरियस है। ठीक है ना? पैकेट ऑफ सिगरेट, पान मसाला, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, च्यूइंग ऑफ टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सारी चीजें आपको उस प्रोडक्ट पे लिखनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? ओके। और जैसे लिखा होता है ना कि प्रोडक्ट के ऊपर लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट, ठीक है, या फिर कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years। ये क्यों लिखा होता है? जो कि इसमें कुछ दिक्कत हो सकती है अगर वो बच्चे उस चीज को कंज्यूम कर ले तो ऐसी चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा। ये इंफॉर्मेशन, ये वार्निंग सिग्नल्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये कानून तौर पे रिक्वायर्ड है। क्लियर हो गया? ओके। तो बच्चों ये था हमारा पूरा टॉपिक लेबलिंग के ऊपर, बहुत छोटा सा टॉपिक था। लेबलिंग क्या होती है हमने वो पढ़ लिया, फिर उसके अंदर में से 5 functions पढ़ लिए। पहला, प्रोडक्ट को या ब्रांड को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। दूसरा, प्रोडक्ट को स्पेसिफाई करता है, प्रोडक्ट के बारे में बताता है, प्रोडक्ट है क्या उसको डिस्क्राइब करता है, उसके अंदर क्या क्या कॉन्टेंट्स है उसको बताता है। थर्ड, ग्रेडिंग करने में हेल्प करता है, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में उसको बांटने में मदद करता है। फोर्थ, प्रमोशन करने में हेल्प करता है। और फाइव, जो इंफॉर्मेशन कानून में दे रखी है कि रिक्वायर्ड है कि इंफॉर्मेशन दो, वो हमको देने में मदद करता है। क्लियर हो गया आपको अच्छे से? बहुत सही। तो बच्चों सिर्फ इतना सा ही था हमारा लेबलिंग, मतलब हमारा जो पूरा प्रोडक्ट वाला टॉपिक है, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग, तीनों ही कंप्लीट होते हैं। ओके, तो चलिए बच्चों आज की क्लास को करेंगे यहीं समाप्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं प्राइस मिक्स के बारे में। प्रोडक्ट हो गया ना, अब बात करेंगे प्राइस मिक्स के बारे में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना और चैप्टर को रिवाइज करते रहना। तब तक आपसे मैं लेता हूं विदा, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।